लोक कल्याण दिवस पर हम लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को विजय प्राप्त दिलाना है। समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समाजवाद के प्रति अपने को संकल्पित करते हैं। अखिलेश यादव का पूरा जीवन लोक कल्याण के कार्यक्रमों से भरा पड़ा है। जहां एक ओर अपने मुख्यमंत्री काल में सरकार में रहते हुए जन कल्याण विकास के ऐतिहासिक फैसले लिए, वहीं दूसरी ओर सरकार न रहने के बावजूद आए दिन पीड़ितों, शोषितों और उत्पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने का कार्य करते रहते हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, गणेश शंकर पांडे, जगदीश यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव, नगीना प्रसाद साहनी, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, मुन्ना माझवार, जफर अमीन डक्कू, काजल निषाद, गीता निषाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र छात्राओं की आवाज, श्रद्धे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का 50वीं जन्म दिन के इस अवसर पर लोक कल्याण दिवस के रूप में गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन पर गोरखपुर जिले के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित होकर के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना दिए हैं, दे रहे हैं। एक दूसरे को केक खिला करके, लड्डू खिला करके उन्हें अपनी खुशियां मना रहे हैं। उनको दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करते हुए यह संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला 2024 का लोकसभा का आम चुनाव है, ये सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता गण अपने अपने पोलिंग बूथों पर, अपने सेक्टर में, अपने जोन में, अपने विधानसभा में पूरी ताकत के साथ लग करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 2012 से लेकर 17 के दौरान माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो अनेकों कार्य किए गए हैं,